मैं कल 1 बजे के करीब खनमू जा रहा था, खनमू में हमारा एक इंस्टीट्यूट है वहां पे मैं जा रहा था, तो जैसे मैं गेट के अंदर गया तो 4 बंदे वहां पे गेट पे पहले से ही खड़े थे, तो मेरा पीएसओ जैसे ही गेट के सामने गया उन्होंने फायर शुरू किया। जब फायरिंग शुरू हुई फिर तो पता ही नहीं चला, मेरा उसमें एक पीएसओ भी जख्मी हो गया। तो शुक्र खुदा का, हम तो नहाते थे, हमारा मिशन तो साफ है, लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, और शुक्र खुदा का उसने हमें बचाया। जब ये 4 बंदे पहले से ही, 2 एक साइड में थे, 2 दूसरे साइड में थे, जैसे पीएसओ बाहर गया गेट के पास हम पहुंचे, मैं भी गेट के पास ही गाड़ी से उतर रहा था, तो उन्होंने गन निकाली और फायर शुरू किया। फिर तो पता नहीं चला कि क्या हुआ, वो कहां से भागे, क्या हुआ। मेरा एक पीएसओ जख्मी हुआ, उसकी गन में भी गोली आई है, और वहां पे जो गेट के आसपास जो भी दीवारें शिवारें उस पर गोली आई। थर्ड तो है, बेसिकली क्या है यहाँ पे, बदकिस्मती की वजह यह है कि जो भी नेशनल पार्टी होती है उसको यहाँ कुछ अलग ही समझते हैं। सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, जितने भी हमारे लीडर हैं किसी के पास जो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जितने भी लीडर हैं उनको सिक्योर करना, क्योंकि हमारा मिशन है लोगों की सेवा करना, हमारा मिशन है कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के अमन के लिए। हमारा मिशन तो यही है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा एक अपना है, हम नेशनलिस्ट है, उसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, और इन चीजों से हम डरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कल मेरे पे हमला हुआ, आज हम फिर अपना जो काम है अपने मिशन पे लगे हुए हैं, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, थ्रेट्स है, बाकी है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमारे लीडरों को कैसे सिक्योर करें, बाकी जो मिशन है हमारा वो जारी रहेगा।